इसको ला, लग ला, ब्रेक पकड़ा दो दो उसके लिए। अच्छा तो सोया है, वो सो रहा है। तो अभी हम इसको लेके जा रहे हैं बाहर, और बाहर बारिश के मौसम के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा खाएंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय वानी ब्लॉग्स। आप सभी को मेरा प्यार है प्रणाम। आप सब कैसे आई हो? आप सब ठीक होंगे? हम भी ठीक हैं। तो आज अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज हम बना रहे हैं नाश्ता। संडे है तो नाश्ते में हम लोग बना रहे हैं आज छोई। आटे के होते हैं जो, तो आटे की छोई बना रहे हैं हम। आटा मैंने बना खोल दिया है, प्याज काट दिया है और फिर बारीक करके जैसे में। तो अभी हम आटे को इसमें डालने वाले हैं जो मैंने खोल बनाया है। ये घोल बनाया है और इसको इसमें प्याज मसाले मिर्च ये सब डालेंगे, फिर तवा में पकाएंगे। तो मैं टाइम पे बना रही हूँ, टाइम पे इसीलिए क्योंकि इसको पकने में ना बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं सोची इसको टाइम पे बना देती हूँ। तो मामी भी जा रही है ना, तो मामी जा रही है आज अपने मायके। तो आज नाश्ता मैं बना रही हूँ और आज संडे है, मेरा ऑफ डे है। तो प्याज डाल देती हूँ मैं इसमें, कम ही डालती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा, अगर बाद में कम पड़ जाएगा तो उसमें काम आ जाएगा। जितनी मिर्च नहीं काटी मैंने, नहीं काटी प्याज ही तो काटते थे। चल तो मिर्च भी तो दे दी, चल मिर्च ली काटी नहीं काट दो भैया तारी। अब हम बनाएंगे नॉन स्टिक तवे में क्योंकि इनका तवा जो रोटी का है वो बहुत गहरा है, तो उसमें अच्छे से नहीं बनती है, इसलिए नॉन स्टिक लेंगे। दूसरा वाला बाकी सबने खा ही लिया है। पहले डाला हल्का सा तेल, फिर ये डाल दिया, फिर
अभी हम खा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा और बनाया मैंने और जितेंद्र ने मामी ने। तो ये है, कितनी मस्त खुशबू आ रही है इसमें, जितेंद्र ले ले। तो इसको ले, इसके लिए अच्छा तो सोया है। तो अभी हम इसको लेके जा रहे हैं बाहर, और बाहर बारिश के मौसम के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा खाएंगे। यहाँ पे चाय भी आ चुकी है, चाय और ब्रेड पकौड़ा।